नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। बिहार में एक बार फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह ने अपने ही नेताओं पर दावत ए इफ्तार में जाने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बिहार में सत्तारूढ़ दलों जैसे कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के नेताओं को चार तस्वीरों को ट्वीट करते हुए पूछा कि अपने कर्म धर्म से हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पे फलहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं आखिर और दिखावा में आगे रहते हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह ने जो तस्वीर साझा की है उसमें एनडीए के घटक दल के नेताओं के अलावा महागठबंधन में शामिल हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और बगल में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी खड़े हैं। यह तस्वीर एलजेपी की तरफ से आयोजित इफ्तार की है। दूसरी तस्वीर में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर जेडीयू के इफ्तार की है। वहीं तीसरी तस्वीर में नीतीश और मांझी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम के इफ्तार की है। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसे समय में अपने ही नेताओं पर सवाल उठाए हैं जब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में जेडीयू शामिल नहीं हुई है। वहीं जेडीयू के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने बिहार में कैबिनेट विस्तार में बीजेपी को जगह नहीं दी है। इसी बीच गिरिराज सिंह का ये ट्वीट बिहार में अभी चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच उन पर बाकी सारी पार्टियां हमलावर हो चुकी है। वहीं बीजेपी उनके बचाव में दिख रही है, लेकिन बाकी सारे पार्टियों के नेताओं द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल है। जिस तरह से एनडीए में भी मतभेद अब सामने आ रहे हैं और महागठबंधन में भी मतभेद सामने आ रहे हैं, इस तरह को लेकर के बिहार में अब नया क्या समीकरण बनने और बिगड़ने वाला है, ये आगे देखने वाली बात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।